इवन ये तो मुझे बहुत ज़्यादा ढीली हो रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी थी पहले मेरे गोवा के जो पुराने व्लॉग्स हैं ना आप उसमें जाके भी मुझे देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो तो जब माशू हुई उसके बाद तो लगभग मतलब ट्वेंटी के जैसा मेरा वेट जो है ना वो कम हो गया है तो इसलिए अब मुझे ना ऐसे कुछ ड्रेसेस जो है बहुत परफेक्ट लगते हैं फिट आ जाते हैं पहनने के लिए भी तो हम आ गए हैं बीच बीच तो मतलब बहाना था मुझे इस तरफ आना ही था मतलब मैंने आपको बताया था ना मैं ब्लाउज सिलाने के लिए दी थी तो वो मैं जो है लेने के लिए आने वाली थी तो इसी तरफ ना बीच भी पड़ता है काफ़ी दूर में था पर बीचेस जो होते हैं ना उनकी वाइब्स ही कुछ अलग होती है मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और नित्या भी ना बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है उसको बीचेस पे आना बहुत ज़्यादा पसंद है पहले भी ना वो मतलब ऐसे बोलते रहती थी खैर यहाँ पे तो बहुत दूर में बीच है तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है हम बहुत दिन बाद प्लान करते हैं पर गोवा में तो ना हमारे घर के आसपास ही बहुत सारे बीचेस थे तो हम ऐसे वीकेंड में ही जाते रहते थे तो हम मिस करते हैं वो टाइम माशू जो है वो थोड़ी डर रही थी तो उसको जो है मेरे हस्बैंड फिर भी उसको ट्राई कर रहे थे कि वो भी थोड़ा पानी में जाए काफ़ी दिन के बाद आते हैं ना तो उसको जो है इतना ज्यादा मतलब बॉन्ड नहीं हुआ है अभी ये देखिए रोने लगी पानी उसको लग रहा था तो वो रोने लग गई थी तो लेकर के चले गए उसको उसके डैडी और यहाँ पे नित्या बैठ के खेल रही थी तो वो भी जो यहाँ पे खेलने लगी और यहाँ पे आने के बाद टाइम कैसे बीत जाता ना पता ही नहीं चलता है एक घंटा ही जैसे हम रुके पर वो बहुत ही मुझे थोड़ा सा ही लग रहा था उसके बाद यहाँ पे कुछ झूले बंधे हुए थे तो इसमें जो है ये इन दोनों ने इंजॉय किया फिर मैंने अपने बच्चों के ड्रेसेस जो है वो चेंज कर दी क्योंकि वो भीग चुके थे वो खेल रहे थे पानी में तो भीग गए थे तो इसलिए उनको जो हम ड्रेसेस हमने चेंज कर दी और की कुछ शॉपिंग शॉपिंग की थी हमने राखी के लिए क्योंकि नेक्स्ट डे राखी था और उसके बाद जो हम घर की ओर निकल गए थे तो रात हो ही गई थी तो फिर मेरे हस्बैंड को लगा कि खाना क्या जाके बनाओगे तुम चलो हम लोग डिनर करते हुए ही चलते हैं तो बस फिर हमने यहाँ पे जो है डिनर का प्लान कर लिया और ये रेस्टोरेंट में ना काफ़ी वेटिंग रहता है क्योंकि ये ना प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है जो कि यहाँ पे बहुत कम ही मिलते हैं तो यहाँ पे जो है हम बैठे हुए हैं हमारा नंबर लगेगा तब हम जाएंगे ये दस पाँच मिनट थोड़ा वेट करने के बाद जो है हमें भी सीट मिल गई और ये यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है बस इसीलिए थोड़ा मतलब भीड़ लग जाती है ज्यादा ही और हमने यहाँ पर इंजॉय किया अपना अमेजिंग सा डिनर और बहुत ही अच्छा रहा हमारा दिन बहुत प्रॉब्लम होती है बाहर में खाना खाने के लिए क्योंकि माशू जो है ना उसको संभालना मुश्किल हेलो फ्रेंड्स नमस्ते हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स अभी मैं जा रही हूँ नित्या को लेने के लिए और उसके बाद में जो है हम रक्षाबंधन की सेलिब्रेशन करेंगे क्योंकि दो बजे के बाद का ही कुछ टाइमिंग है तो फिर आराम से हमने सोचा करते हैं नित्या स्कूल गई है उसका स्कूल है और साथ में मेरी माशू माशू इधर उधर जा रही थी तो इसलिए मैंने जो है रिकॉर्डिंग बंद कर दी और मैं बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर रही करी उसको भी साथ में मुझे देखना होता है वो ना सीधा रोड पे भाग जाती है आगे आप देखना कैसे रोड पे भागती है और आती भी नहीं है पता नहीं वो मतलब बच्चे क्या चाहते हैं पता ही नहीं चलने में भी उसको प्रॉब्लम है बहुत धीरे धीरे स्लो चलेगी बस ये इतनी सी मतलब जो है हमें गली पार करनी होती है एकदम सामने जो है निता की बस आती है और बस इतना ही डिस्टेंस है मेरे घर का उसकी स्कूल बस आती है तो मैं उसको बुला रही हूँ माशु को और वो धीरे धीरे कभी वो किसी के घर में भी चली जाती है सावन खत्म हो गया और मैंने रक्षाबंधन के दिन ही जो है मेहंदी लगाई थी तो मेरी मेहंदी कैसी लगी आप बताना मुझे कोई बहुत डिजाइन नहीं आता मैं ऐसे ही सिंपल सी लगा लेती हूँ पर हाँ अच्छा लगता है ये देखिए सीधा रोड पे भाग रही थी ना तो मैंने इसका हाथ पकड़ा और इसको यहाँ पे खड़ा किया और यहाँ पे कोई जो है लोकल मतलब जो है मिल गए मतलब मैं इनको नहीं जानती हूँ और ये मलयालम में इसको कंटिन्यूसली कुछ बोलते जा रही थी चुपचाप खड़ी थी मेरे को बहुत ही सही लगा इसको लग रहा है कोई मुझे ऐसे कुछ बोल रहा है डांट रहा है तो ये शांति से खड़ी है और इनको हिंदी नहीं आती थी तो ये मलयालम में ही इसको कुछ बोल रहे थे बहुत देर तक वो इसको कुछ बोल रहे थे वो ये शायद इसको बता रहे थे कि मतलब रोड पे क्यों जा रहे हो करके और फिर मेरी नित्या आ गई और हम चले अपने घर की ओर और आज है रक्षाबंधन तो रक्षाबंधन स्पेशल में मैंने बनाया था छोले लंच में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि लंच में ना हस्बैंड नहीं आते हैं तो बच्चे भी इतने मेरे बहुत वैरायटी खाने वाले नहीं हैं बहुत सिंपली खाना खाते हैं वो तो मैंने बस छोले ही बनाए थे रायता और राइस राइस ही चाहिए होता है नित्या को मैं कभी गलती से भी चपाती बना दूँ ना तो उसको बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लगता है उसको आफ्टरनून में राइस ही चाहिए तो फिर मैंने राइस बनाया था फिर बच्चों को मैंने खिलाया किचन वगैरह क्लीन की और अब मैं आपको इवनिंग के टाइम मिल रही हूँ मेरे बच्चे सो गए थे और अब उठे हैं तो अब उनका स्नैक्स वगैरह का जो है ये टाइम हो गया है मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ मेरे हस्बैंड आ जाए तब तो जो है ये दोनों राखी का जो सेलिब्रेशन है वो करें तो मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं नहीं तो अब थोड़ा थोड़ा समझ में आता है तो उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि हाँ ऐसे राखी बांधने के माशू अभी छोटी है उसको समझ नहीं आता है यहाँ पे देखिए माशू तरह से मुझे डिस्टर्ब करिए मैं उसको पूछ रही हूँ क्या चाहिए उसको ये बिस्किट नहीं ये भी नहीं चाहिए अब आप देखना कैसे कैसे ये बिस्किट नहीं ये भी नहीं इसमें से उसको कोई भी बिस्किट नहीं चाहिए यहाँ पे नित्या जो है वो सिंपली बस एक दो बिस्किट ले जाती है उसको जो पसंद आता है और कुछ मैंने स्नैक्स जो बनाया हो तो ये देखिए मैं उसको पूछ रही ये नमकीन लेगी तो ये भी नहीं ये बिस्किट तो ये भी नहीं मैं उसको ज़बरदस्ती फिर ये बिस्किट दे देती हूँ और बोलती हूँ जाओ जाके अपनी सिस्टर के साथ पे इंजॉय करो पर नहीं उसको ये बिस्किट भी नहीं चाहिए मैं कुछ कुछ स्नैक्स भी बना करके रखती हूँ वो भी नहीं खाना है इसको मैं आपको बताती हूँ माशी को क्या चाहिए माशू को चाहिए काजू उसको दिन भर में स्नैक्स के नाम पर सिर्फ और सिर्फ काजू चाहिए वो बहुत बड़ा मतलब काजू उसको फेवरेट है यहाँ पर मैंने आटे का जो है नमकीन बना के रखा था जो नमकी होती है ना नमक पारे मटरी वो भी उसको नहीं चाहिए नित्या तो वो एन्जॉय कर लेती है उसको चलता है कोई भी स्नैक्स फाइनली मैंने माशू को यहाँ काजू दिया तब वो सेटिस्फाइड हुई है और तब जाके बैठी है और ये डेली का है डेली उसको ऐसा ही है दिन भर में भी अगर उस माशू को कुछ खाने का मन है ना चुटर पुटर तो उसको काजू दे दो ना कोई बिस्किट ना नमकीन कोई मिठाई कुछ नहीं सिर्फ काजू दे दो और यहाँ पे मैंने दूध गर्म होने के लिए भी रख दिया है ताकि मतलब वो जब स्नैक्स वगैरह कुछ फिनिश कर ले तो फिर थोड़ा थोड़ा सा जो है मिल्क पी लें माशू नहीं पीती है इवनिंग में चलिए अब राखी की जो है थाली सजाई जाए अभी बच्चे छोटे हैं हम खुद ही जो आपस में उनको जो ऐसे सिखा देते हैं वो बड़े होंगे तो खुद ही इस चीज के लिए एक्साइटेड रहेंगे तो यहाँ पे जो मैं उनके लिए जो है, ये प्लेट सजा दी मैंने और मैं सोच रही थी तैयार करूँ फिर मैंने रहने दिया क्योंकि कहीं जा तो रहे नहीं है तो आ, ऐसे ही मैंने रहने दिया उनको और शाम हो गई है ना तो इसलिए पर मैं हेयर बैंड लगा रही थी पर वो फाइटिंग कर रहे थे मुझे ये मुझे वो और माशुकर राखी नहीं दिख रही है उसको सिर्फ चॉकलेट दिख रहा है कि हाँ ये चॉकलेट दोनों उसको चाहिए मिठाइयां नहीं खाते मेरे बच्चे पर फिर भी मैंने जबरदस्ती यहां पर रखी है वो खा नहीं खाने वाले वो मुझे पता चॉकलेट ही खाएंगे तो मैं मेरे हस्बैंड को बोली थी चॉकलेट लेते हुए आना ये स्वीट्स खाने वाले बच्चे नहीं है फिर वो आए तो वो जो है हेल्प कर रहे थे बांधने के लिए माशू तो लड्डू खाती नहीं नित्या थोड़ा बहुत खा लेती है पर अगर कोई बहुत ज़्यादा मीठा है ना स्वीट वो तो खाती नहीं नित्या को वैसे काजू बर्फी पसंद है हाँ सिर्फ उसको काजू बर्फी पसंद है यहाँ देखिए इनकी रक्षाबंधन जो है मेरे हस्बैंड जो है वो बांध दे रहे हैं वो ही टीका लगा दे रहे हैं बच्चों को पता होना चाहिए फेस्टिवल्स इसीलिए हम जो है सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं और मैंने छोले बनाए थे तो नित्या जो है मेरी छोले के साथ पूड़ी पसंद करती है तो अब मैं जो है पूड़ी बनाऊँगी मुझे भी पूड़ी पसंद है मुझे छोले ऐसी चीज़ ही होती है ना उसके साथ वाइब सी आ जाती है भाई पूड़ी खाएँगे तो बस अभी जो है मैं पूड़ी बनाऊँगी ये सारे प्रोग्राम मैं आफ्टरनून में कर लेती पर आफ्टरनून में, में मेरे हस्बैंड नहीं आते ना तो फिर इसीलिए मैंने जो है कुछ भी नहीं किया सादा ही रखा और अभी जो है जाके माशू यहाँ पे तंग कर रही थी तो मेरे हस्बैंड ना उसको बाहर लेकर के गए थे थोड़ा सा ऐसे घुमाने के लिए तो उसी बीच में नित्या जो वो पढ़ाई कर रही है तो उसको कोई डाउट होता है तो वो मुझसे क्लियर करने आ जाती है जिसमें थोड़ा सा मैंने नमक और अजवाइन डाल दिया और एक चम्मच के करीब ऑयल तो सॉफ्ट बनती है पूरी तो वही मैं पूरी जो है बना दे रही हूँ आप लोगों ने रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट किया था मुझे कमेंट कर देना वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना और हमारे देश में क्या हो रहा है वो सबको पता है इतना मतलब अंदर तक मुझे दुख लग रहा था उस चीज़ का अभी तक भी मतलब मैं सुबह उठती हूँ ना हर जगह बस फ़ोन में वही सब न्यूज़ आती रहती है बहुत मतलब बहुत दुख लगा मुझे इसीलिए भी पता है बिल्कुल मतलब ऐसे सन्नाटा सा था ना कुछ दिन तो मैं इसीलिए वीडियोस भी नहीं बना पा रही थी समझ नहीं आता कब तक मतलब ये सब चीज़ें जो हैं होंगी मैं यहाँ पे जो है मिल्क बॉयल होने के लिए रख दे रही हूँ और साथ में साथ में ना मैं यहाँ पे जो है रायता बना रही हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ छोले बनाए थे तो मैं यहाँ पे अभी जो है लौकी का रायता बना रही हूँ कर्ड था मेरे पास अच्छी क्वांटिटी मैंने जमाया था और रात को वैसे कर्ड नहीं खाते हैं पर कभी कभी बहुत रेयर ही हम लोग ऐसे रायता वगैरह लेते हैं वो भी मैं आफ्टरनून में ही रखती हूँ नाइट में तो नहीं अब मैं यहाँ पर लगी हूँ ये पूड़ियाँ बेलने के लिए और मैं यहाँ पे बेल के रख रही थी ना तो मेरे हस्बैंड मुझे थोड़ी हेल्प कर दी है उन्होंने फ्राई कर दी थी माशू सो गई थी वरना माशू जो है ना वो किचन में मतलब काम नहीं करने देती मुझे तो फिर मेरे हस्बैंड जो उसको रखते हैं तब तो मैं थोड़ा कर लेती हूँ आज वो सो गई तो वो मेरी हेल्प कर दिए उसके बाद मैं यहाँ पर जो है रायता बना रही हूँ हमने पूड़ियाँ जो है फ्राई कर ली थी तो मैंने बहुत छोटा चुट छोटा जो है लौकी कट करके उसको एक विसिन लगाया था बहुत जल्दी वो सॉफ्ट हो जाती है बहुत ही छोटे चुट छोटे मैंने कट किया था अच्छे से उसका पानी जो है स्क्वीज़ कर लिया और अब जो है मैं ये दही में मिला दे रही हूँ फिर मैं इसमें थोड़े से जो है मसाले डालूंगी तो यहाँ पर अदरक लहसुन और ग्रीन चिल्ली जो है उसको भी मैंने कूट लिया है वो डाला है मैंने इसमें और अच्छे से जो है इसको विस्क कर लें दही को उसके बाद में अपने हिसाब से जो भी आप मसाले चाहते हैं चाट मसाला काला नमक ये सब जो है मिक्स कर दें मैं यहाँ पे जो सरसों होते हैं ना मस्टर्ड सीड उसको भी जो है हम लोग पीस के डालते हैं उसका स्वाद थोड़ा अलग आता है तो ये इस तरह का जो है थोड़ा तो इस तरह से जो है मेरे घर में मेरे गांव में बनता है तो मैंने भी जो है इसमें मस्टर्ड सीड जो है वो पीस करके डाला था और दा... बाकी सारे मसाले चाट मसाले भुने जीरे का पाउडर काला नमक और प्लेन नमक जो है नॉर्मल वो सब मिक्स किया और इस तरह से जो है हमने बनाया यहाँ पे दही का रायता लौकी के साथ में और लौकी वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे हस्बैंड को अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे हमारी प्लेट तो ये मैंने नित्या के लिए जो है पहली प्लेट लगा दी है वो रायता नहीं खाने वाली थी पर मैंने उससे बोला थोड़ा सा टेस्ट तो करो कैसा है नित्या बहुत ही ज़्यादा पिकी है मतलब वो काफ़ी सारी चीज़ें नहीं खाती है पर थोड़ा थोड़ा जो है सब कुछ हम लोग कोशिश करते हैं उसको जो है खिलाएं थोड़ा सा टेस्ट तो करना चाहिए वो सीधा हर चीज़ को बिना मतलब देखे टेस्ट के ही बोल देती नहीं ये तो मुझे चाहिए ही नहीं तो बस यहीं तक की है मेरी आज की वीडियो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये है हमारी रक्षाबंधन स्पेशल प्लीज़ कमेंट कर देना आप लोगों ने राखी कैसे बनाई थी ये भी कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करना चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और यह है आज की हमारी प्लेट थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में एंड प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना